देसी प्लाईवुड का कंपनी है। देखिए दोस्तों, देसी जुगाड़ भैंसी पर राख ढो रहे हैं चाची। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 5:30 बज रहा है और कल जो है इस समय मैं आया हुआ था तो बादल लगा हुआ था, तो अंधेरा जैसे था, और आज देख सकते हैं कि सूर्य निकल चुका है और आज धूप है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम है आज का। और सब दिन की तरह आज भी मैं आ गया हूँ, देख सकते हैं डिब्बा है, लैट्रिन करने आया हुआ था इधर सरे की तरफ, खेत की तरफ। तो यहाँ पे जो है नेटवर्क अच्छा रहता है तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो अपलोड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, देसी जुगाड़ भैंसी पर राख ढो रहे हैं चाची। अरे देखिए चर भी गए हैं, बच्चा भी गई है और ऊपर से राख भी लोड कर ली है। तो देख सकते हैं देसी जुगाड़ कैसा है राख ढोने का। तो वीडियो अपलोड कर लिया और देख सकते हैं अभी 6 बज रहा है, तो अब चल रहे हैं घर, और चाचा भी इधर घूमने आए हुए हैं, तो टाइम ज़्यादा हो गया, आप चलते हैं, कपड़ा सरियाएंगे उसके बाद में 8-9 बजे से काम करके लगातार बैठो। किसान में माटी कोड़ बोला। अच्छा जी, हाँ हाँ, जेसीबी से। अच्छा कालो भी आले लाए, लेकिन काल ना परसों देख ले रहे, परसों अखन बोला कैका की वैसे। हाँ तो क्या, एक कट्ठा जमीन है आ वो इधर देखे घटवा पर वाला पोखरी लेखा खन बहुत खन बहुत बिलट के। अच्छा जीतुआ ओकरे है, ठीक है चल ठीक है। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं, अब माल कपड़ा सरियाना है तो उसमें आधा एक घंटा लग जाता है, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से 9 बजे के आसपास। देख सकते हैं कैसा व्यू है, अभी धूप है अभी कराकर, इधर जो है भैंस का बच्चा चल रहा है अभी। दोस्तों माल सरिया लिया हूँ, थोड़ा सा माल जो है मेल जो है ख़त्म हो गया है कपड़ा का, तो अभी चलते हैं थोड़ा माल ले आते हैं। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे। और दोस्तों लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आज 3 दिन में कितना का सेलिंग हुआ है और कितना इनकम हुआ है वो सारे कुछ आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए पहले खा लेते हैं, ये देखिए क्या है, खीर है, खा के फिर चलते हैं। और देखिए सरवन को जीव भी तक जीव निकाला हुआ, खाना खाया है। और देखिए भगलू पानी लेकर आया। तो दोस्तों देखिए भगलू चावल भी ले आया, चावल और ही और चोखा है आलू का, देख सकते हैं। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मालवे। मालवे हाँ, इसको देखे सरवन भी बोलता है, सरवन का भी बोलने आ गया। दोस्तों अभी खाना खा लिया और अब निकल रहे हैं, हेलमेट ले लिया और पूरी तरह से मैं तैयार हो गया हूँ। दूसरा दिन कृष्णा सरवन बोल रहा है आम लाने के लिए, तो बाद में लाएंगे, अभी चलते हैं। अभी ऐसे तो गाय निकाल लिया हूँ और भगलू उधर पारी को धो रहा है, इसी का बच्चा पारी है। तो दोस्तों चलिए डायरेक्ट दुकान पे मिलते हैं। दोस्तों किस मारी से आगे निकल चुका हूँ और इस पेट्रोल पंप पे ले लेते हैं, वहाँ पर पेट्रोल 200 का ले लेते हैं। दोस्तों अभी माल ले लिया हूँ, देख सकते हैं 5,000 के माल लिए हैं, और भैया से हिसाब करवा लेते हैं। और 1,000 रुपया पिछले वाला है उसको सधा देंगे, हिसाब साफ करा लेते हैं फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी माल ले लिया हूँ, 5,000 के लिया हूँ, और 1,000 पिछले वाला था वो चुपचाप कर दिया, और टेंशन बना हुआ था कि सधाना है 1,000 तो दे दिया, ख़त्म हो गया टेंशन। चलते हैं अब लगभग 10
11 बजने वाला होगा तो चलते हैं अभी यहाँ दे सकते हैं। हाँ बांध ले ली मैं भैया से ले रहे हैं माल। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ घर की तरफ और अभी मैं खैरवा पहुँचने वाला हूँ। खैरवा से निकल चुका हूँ और बाका गाँव साथी गाँव है वहाँ पहुँचने वाला उधर से है और साखी के आसपास ही प्लाईवुड का कंपनी है कह सकते हैं प्लाई वाई सब बनता है इसमें। तो उसको अभी मैं चल रहा हूँ और आज मैं किया गया था दुकानदार का माल लाता था फिर चुका दिया हूँ और चुका देने के बाद जो है ना बहुत ही अच्छा महसूस होता है क्योंकि किसी का उधारी जब रहता है हमारे ऊपर तो मुझे बहुत ही दूसरे तरह के लगता रहता है जैसे कि बहुत भारी बोझ है तो पता चुका दिया और चलते हैं घर पर टोटल माल गिनती करेंगे कितना का माल है कह सकते हैं। आगे जो है चौक है साफी चौक यही साफी चौक है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं सिंहरवा चौक पे आ चुका हूँ और नाश्ता कर लेते हैं और देख सकते हैं अभी दोपहर के समय है धूप आज खूब है तो कैसा भी है देखिए और चलिए नाश्ता कर लेते हैं। चचा उधर अभी बना रहे हैं समोसा। दोस्तों अभी नाश्ता कर लिया हूँ और श्रवण के लिए और श्रवण के दादी के लिए समोसा वमोसा लिट्टी उट्टी ले लिया तो चलिए चलते हैं देख सकते हैं यह लिट्टी समोसा। दोस्तों अभी आ चुका हूँ और अभी चलते हैं माल को उतार लेते हैं बोरा में है और थोड़ा सा हैंडल पर तो पहले हेलमेट रख लेते हैं ऊपर। तो दोस्तों यही है देख सकते हैं इसको उतार लेते हैं होगा 20 किलो तक 20-25 किलो तक। और दोस्तों लिट्टी लाया हूँ तो श्रवण है ये नहीं है माई है खाली देख सकते हैं माई भगलू बस। देखिए दोस्तों ये समोसा है लिट्टी है श्रवण है ये नहीं है और चला गया भोज खाने सोनाउल उस दिन मर गया हुआ था ना वो उसका आज काम है तो भोज खाने तो दो दो पीस है सबके लिए श्रवणों के बखाए श्रवण हैते ना है। और अब चलते हैं अब गिनती करने सारे माल को। तो सारे गिनती कर लिया हूँ लगभग अभी 3:30 हो गया है गिनती करते करते देख सकते हैं खिड़की होकर के दिखाते हैं भी कैसा है पूरी धूप है अभी और 3:30 ही बज चुका है पूरा जोड़ लिया हूँ नीचे गिर गया देखें ये वाला जो है पूरे हिसाब किए हुए हैं पहले माल गिनती करके लिखे हैं टोटल और उसके बाद जो है हिसाब के हैं टोटल माल जो है अभी 11,127 रुपये का है और 7,000 रुपये कैश है और 300 रुपया यहाँ पेट्रोल नाश्ता में खर्चा हुआ था तो टोटल मिलाते हैं तो हो जाता है 18,427 रुपये। और उस दिन जो माल था हमारे पास 16,372 रुपये का था और 290 रुपये कैश था तो टोटल मिलाते हैं तो 16,662 रुपये होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा अभी टोटलिंग जो है 18,427 है जिसमें से उस दिन का माल और कैश दोनों मिलाकर 16,662 रुपये माइनस किए हैं तो होता है 17,1765 रुपये। दोस्तों तीन दिन में जो है 1700 कितना है 1765 रुपये का इनकम हुआ है जिसमें 300 खर्चा हो गया पेट्रोल नाश्ता में और अभी हमारे पास 1764 रुपये बचा है। तो ठीक है दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी सो के उठा हूँ सो गया था अभी 6 बज रहा है देख सकते हैं पूरी तरह शाम हो गया है अभी तो अभी चल रहे हैं बाजार थोड़ा सब्जी लेना है तो अभी चलते हैं और साथ दाढ़ी भी बनवाना है तो आएँगे दाढ़ी भी बनवा करके चलते हैं 16 बाजार अभी। दोस्तों अभी देख सकते हैं पूरी तरह से अब वे डूबने वाला है तो अभी चल रहे हैं
और एक पिपरा मोड़ पे आ गए हैं। जल्दी से आना होगा नहीं तो शाम हो जाएगा, गाड़ी भी उम्र मना है। तो चलते हैं, 16 बजा रहा, जल्दी आएंगे। प्रयाग जो है इधर है पेट्रोल पंप के पास, सामने देख रहे हैं पेट्रोल पंप है और इधर एटीएम है, तो ले लेते हैं थोड़ा बहुत जो लेना है। सो भिंडी बोला है लेने के लिए खाली, तो देखते हैं भिंडी। भिंडी कैसे भैया? 20 आप बोरी जल्दी बेच के भिंडी के ना हो भिंडी 20 चल सोनल खाई न रख जाए देख सोनल तो बहुत भाई आज जोगनी दा जोगनी दा एक आदमी छेद से देख लिया ना ना में ना है अरे साहब 1 किलो में अगले वो टेप हो गए क्या छेद होने को ना कुछ अब बुढ़गो बुढ़गा तो खा होगा कैसे होने ले लो ना कैसे का है साहब आधा 1 किलो दे ना ना भाई भैया में चले तो गलिए जाते सब्जी माती तो ना कर मैंने वो ना कलिया करे छे तो भोजे के ऊपर डिफेक्ट छे बोरी दे ना 1 किलो अब बोरी आधा किलो दे ले 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 आधा लॉस कैसे है 20 हाँ 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 बीस नाम बजा है देखो ना जाओ ना सामान है जो बोलो बोलो कद अभी ले लिया हूँ सब्जी और दो बंडल मतलब साग जा रहा था लेकिन तीन पीस ले लिया बरबट्टी और साग ले लिया हूँ। अभी चलते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पे गाय लगाए हुए हैं तो निकलते हैं और देख सकते हैं कि बेर भी पूरी तरह से डूब चुका है। गाड़ी बनवाना है इसलिए जल्दी से लेके हम जा रहे हैं। चलिए चलते हैं सुदामा जी का सैलून में, गांव में ही है तो वहीं पे कमाएंगे आज। तो अभी सैलून में पहुंच चुका हूं लेकिन ये देख सकते हैं कि अभी बंद कर दिया हुआ है, तो चलते हैं कॉल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे तो चलते हैं। ये हमारा गांव है, एक किराना दुकान है, यहीं पे हम लोग आते हैं सामान लेने सुबह में, कमी रहता है तो चलिए अभी चलते हैं घर। दोस्तों अब आते आते शाम हो गया है, पूरी तरह से अंधेरा होने वाला है देख सकते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों अभी मिलाते हैं
कि टोटल माल हमारे पास कितना है आज, उस समय बताया था कि पहले वाला जो माल था और आज कितना रुपया कैश है, कितना इनकम हुआ है 3 दिन में वो बताया हूँ, और अभी बता रहा हूँ कि अभी आज ले आया हूँ 100 माल और पहले का माल, दोनों मिलाकर कितना टोटल है हमारे पास आज। तो दोस्तों आज पहले वाला जो टोटल माल है वो देख सकते हैं कितना है, 11127 होते 11127 यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद आज कपड़ा वाला दुकान में से लाया 5040 रुपया और 300 रुपया और 300 रुपये का लाया हूँ। देखिए खोल तो हो जाता है, टोटल गिनते हैं कितना होता है। तो दोस्तों टोटल 16467 होता है। तो दोस्तों टोटल माल जो है आज पूरा पहले वाला और आज लाया हूँ सारे मिला करके 16467 रुपया है। तो आज का ब्लॉग को अब एंड करते हैं क्योंकि अब रात हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कोई राय है तो कमेंट कीजिए। और मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।